वालेकुम गाइस, मुझे अर्जेंट जो है वीडियो शूट करनी पड़ रही है। पता नहीं ये एक्वेरियम को क्या हुआ, एकदम ये देखें एक्वेरियम हमारा लीक हो चुका है, समझ नहीं आई हमें एकदम हुआ क्या इसको। ये चेक करें जरा, वेरी बिग लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज हमारा, समझ नहीं आई एकदम हुआ क्या। ये देखें वेरी बिग लॉस, पूरा जो है एक्वेरियम जो है लीक हो चुका है, साइडों से पानी लीक हो चुका है। मम्मा मछलियों क्या करना है शाहजी? मछलियों का क्या करना है अब? देखो यार अब क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एकदम हुआ क्या समझ नहीं आ रही मुझे। ये खुल गई है ना, ये जो लगाई थी इनकी सिलिकॉन वो खुल गई है, इसकी सिलिकॉन खुल गई है नीचे से। ओहो, ऊपर से नहीं रुक सकता, ये सारा शीशा खोलना पड़ेगा। मछलियाँ रखनी किधर है, समझ नहीं आ रही। अपने को प्यार नहीं छूटा है तेरी, कोई आज तो इतवार है, ऊपर से समझ से बाहर है हुआ क्या एकदम। ये कहीं पानी गर्म की वजह से तो नहीं हो रहा, टेम्परेचर की वजह से खुल गई हो बेशक, पानी इतना गर्म तो नहीं है वैसे। जी दोस्तों समझ नहीं आई एकदम हुआ क्या है, एक्वेरियम हम बैठे हुए थे एकदम अचानक जो है हमने देखा है पानी का प्रेशर एकदम निकला है, हम सारे परेशान हो गए हैं, हम सारे परेशान हो गए एकदम के पता नहीं क्या हुआ एक्वेरियम को। अब हम कोई ना कोई हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मछलियों को बचा सकें, छोटा एक्वेरियम लेकर आना पड़ेगा अब हमें, छोटा शीशे का जिसमें हमने ये सारी फिशेज रखनी है, अब उसमें रखनी कहाँ पर रखनी है ये फिशेज, छोटा एक्वेरियम परचेज करके लाना पड़ेगा अब। ये समझ नहीं आई ये हुआ क्या गाइस, टेप से कहाँ पे रुकना है, क्या हो गया आपको? नहीं रुकना ये रुकेगा ना, तो आप हमारे साथ रहिएगा, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है एक्वेरियम के साथ, अब दूसरा एक्वेरियम परचेज करके लाना पड़ेगा। मछलियों को रात तो गुजारनी है, उनकी रात गुजारना बहुत मुश्किल है, आज ऊपर से है भी संडे, समझ नहीं आया एकदम एकदम पानी निकला है, एकदम पानी निकला है। ये देखें ये देखें तो जी गाइस हमने अर्जेंटली जो है एक्वेरियम का इंतजाम कर लिया, ये देखें इसका तो ये लीक हो गया सारा, अब हम अर्जेंटली फिलहाल ये लेकर आए हैं, ये देखें फिलहाल अब इसका हमने अरेंज किया, अब रात इसमें गुजारेंगे मछलियों की, सुबह इसको रिपेयर करवाएंगे। अब वो लेकर आओ जल्दी मछलियाँ निकालें, पानी बहुत कम रह गया है। वो लेकर आए ना, कोई ले आए, वो भी नहीं मिल रहा, चीकू भी नहीं मिल रहा मछलियाँ निकालने वाला, बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारा आज, ये पता नहीं अब इसका क्या बनेगा सुबह, अगर ये शीशा खुल गया तो फिर ये बेकार है, इसने फिर रिपेयर नहीं होना, अल्लाह करे आप अंदर से ही वो इसको कुछ सिलिकॉन वगैरह लगाए और ये बैठ जाए। ये शीशा जो है ना नीचे से खुला है, यहाँ से खुल गया, यहाँ से शीशा खुल गया, ये पूरा ऊपर से यहाँ से पूरे से पानी निकल रहा है, साइडें ठीक है, साइडों में भी एक दफ़ा और सिलिकॉन की पूरी बोतल फिरवा देंगे। ओहो हाँ जी, फिलहाल आज एक रात तो गुजारनी है इनकी, इसके अंदर से फिल्टर निकालें और उस एक्वेरियम में लगाएं, फिलहाल मछलियों की एक रात तो गुजारे ना। चल 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 कर दे, मुझे लगता है जो ये लीक होने की वजह जो है ना वो यही है कि पानी का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी हॉट था, पानी काफ़ी गर्म था, उसकी वजह से ये जो है ना सिलिकॉन ने अपनी स्पेस छोड़ दिया, ऐसे ही है ना शाहजी? हाँ जी ऐसे ही, पहले इसका ऊपर से कवर उतार लें, हाँ जी ऊपर से ये है ना इसका निकाल लें। अहमद बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो जी गाइस अब मछलियां जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे एक्वेरियम में, ये देखें मछलियां तो सेफ करें यार, मछलियां बहुत बड़ी टेंशन बन गई है,
मछलियां हैं अभी काफ़ी और उस एक्वेरियम में आनी भी नहीं है। अहमद को अंदर किया आपके, अहमद आराम से पकड़ो, उतने हाथ रखे करो। पानी भरो ना। तो जी दोस्तों, पानी डाल, मछलियाँ हमने सारी सेव कर ली हैं, इधर से सारी मछलियाँ हमने निकाल के छोटे एक्वेरियम में डाल दी हैं। अल्लाह का शुक्र है ये कि मछलियाँ जो हैं सेव हो चुकी हैं। तो अब जो है सुबह का इंतज़ार करेंगे, सुबह को ही हम बर्तन पकड़ेंगे जो एक्वेरियम ठीक कर दे हमारा। अब हमने एक्वेरियम में फिर जो है ना फिल्टर निकाल लिया, अब शाहजी वो जो बाकी पानी है वो सारा निकालने लगे हैं बाहर। अब दुआ है कि बस एक रात जो है ना ये सरवाइव कर जाएं छोटे एक्वेरियम में। सुबह सुबह हम इंशाल्लाह 10-11 बजे के दरमियान बंदे को बुला लेंगे और जो इसका काम करेगा एक्वेरियम का, बस दुआ है कि एक रात सरवाइव कर जाएं। और वो फ़िल्टर पड़ा है वो फ़िल्टर अब लगाते हैं और इनको सेव करते हैं बिल्कुल। तो जी गाइस, अब हम बजरी निकाल रहे हैं एक्वेरियम में से, फ़िल्टर हमने लगा दिया मछलियों को, मछलियाँ सेव हो गई हैं शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्टर लगा दिया तो अब व्लॉग एंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं सैड हो चुका हूँ, दिल बहुत बुरा हो रहा है, एक्वेरियम को पता नहीं क्या होगा। व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।